हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल और दोस्तों आपके स्किन से एक्ने पिंपल्स को हटाएगा और साथ ही साथ आपकी स्किन को बहुत ही फेयर एंड ब्राइट बनाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए आज जो फेस मास्क मैं बना रही हूँ, इसमें आपको चार इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पे हनी। दोस्तों, हनी जो है ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें मॉइस्चराइजिंग और नरिशिंग प्रॉपर्टीज होती है और दोस्तों ये स्किन के अंदर जाके आपके कोलेजन प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, जो कि आपके स्किन को फाइन लाइंस, रिंकल्स से दूर रखता है। और दोस्तों साथ ही साथ ये एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, जिसकी वजह से आपके स्किन में एक्ने या पिंपल्स की प्रॉब्लम नहीं होती और स्किन बहुत ही ब्राइट एंड ग्लोइंग रहती है। और दोस्तों सेकंड हमें चाहिए यहाँ पर टर्मरिक। दोस्तों, टर्मरिक भी जो है ये एक बहुत अच्छा सुपर फूड है आपके स्किन के लिए। ये एंटी एक्ने होता है और दोस्तों इसमें जो कर्क्यूमिन होता है ये आपके स्किन को ब्राइटन अप करता है, आपके स्किन को सन डैमेज से प्रोटेक्ट करता है और साथ ही साथ दोस्तों ये स्किन को बहुत ही ब्लेमिश फ्री रखता है। आपके स्किन में अगर कोई भी डार्क स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन है या स्कार्स है, उसको ये मिटा देता है, स्किन को बिल्कुल ही इवन टोन्ड बनाता है। और दोस्तों थर्ड हमें चाहिए यहाँ पे रॉ मिल्क। रॉ मिल्क जो होता है ये लैक्टिक एसिड में रिच होता है। लैक्टिक एसिड हमारे स्किन से जो भी डेड सेल्स है उसको ये जेंटली रिमूव करता है और स्किन को बहुत ही ग्लो देता है। ये आपके स्किन से जो मॉइस्चर है उसको लॉक करके रखता है। ये स्किन के लिए बहुत अच्छा क्लेंजर भी है। और दोस्तों ये मिल्क जो है आपके स्किन को बहुत अच्छे से ये एक स्मूथनेस देता है। और दोस्तों फोर्थ हमें चाहिए यहाँ पे चंदन। चंदन जो है ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। आपकी स्किन से सारे दाग धब्बे, आपकी स्किन में अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसको ये हटा देता है और स्किन को ये बहुत अच्छे से डिटॉक्सिफाई करता है, नरिश करता है और स्किन को बहुत ही हेल्दी एंड फ्लॉलेस बनाता है। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून ऑफ चंदन लिया है, थोड़ा सा टर्मरिक लिया है, 1 टीस्पून ऑफ हनी ली है और 2 टीस्पून ऑफ मिल्क लिया है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इन सारे चीजों को मिक्स कर लेना है। अब आप चाहे तो इसको बना के स्टोर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे हल्दी ऐड कर रही हूँ और दोस्तों ये जो हनी है इसको भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। दोस्तों ये सारी चीजें आपके घर पे अवेलेबल होती हैं और ये बहुत बहुत हाई होता है एंटीऑक्सीडेंट्स में, आपके स्किन को बिल्कुल ही हेल्दी एंड ग्लोइंग बनाता है। और दोस्तों दूध भी ऐड कर देंगे। अब दोस्तों इन सारी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये एक स्मूथ पेस्ट के फॉर्म में आ जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा जो फेस मास्क है वो बिल्कुल तैयार है। ये थोड़ा सा थिन हुआ है, थोड़ा सा पतला हुआ है, पर अगर आपको इसे थिक चाहिए तो आप वो भी बना सकते हैं। आप इसमें चंदन की क्वांटिटी आप बढ़ा ले तो ये थिक हो जाएगा। अब दोस्तों आप क्या करें कि अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लें और इस मास्क को अप्लाई करें। दोस्तों ये स्क्रब के जैसा भी काम करता है और आपके स्किन के जो भी डेड सेल्स हैं या टॉक्सिन्स हैं उसको ये पोर्स से निकाल देता है और दोस्तों बहुत ही ब्राइटन अप करता है। अब दोस्तों इस मास्क को आप ऐसे ही लगाए रखें 30 मिनट्स के लिए, उसके बाद आप नॉर्मल पानी से धो लें। तो दोस्तों अब आप देखिए मैंने हाथों को धो लिया है, आप देख सकते हैं कितना ज्यादा ये ब्राइट हुआ है, बहुत ही ग्लोइंग हो गई है और दोस्तों बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गई है, बहुत ही मॉइस्चराइज्ड हो गई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना ज्यादा पावरफुल है ये फेस मास्क। आप घर पे इसको इजीली बना सकते हैं और आपकी स्किन में वो सारे इफेक्ट आपको दिखेंगे जो आप किसी महंगे फेशियल से देख पाएंगे। तो दोस्तों जरूर आप इस मास्क को ट्राई करें और इसके बेनिफिट्स उठाएं। और तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।